हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सानी और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं मूली का पराठा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए आपको 1 kg मूली लेना है। आपको मोटे साइज का मूली लेना है जिससे कि आप आसानी से इसको घस पाओ। देखिए, मैंने 5 मूली लिया है यहाँ पे। अब मैं इसको घसूंगी। हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं अब हम इसको घिसने जा रहे हैं। आप इसको कद्दूकस कर लीजिए। सारे मूली को आप कद्दूकस कर लीजिए। मैं यहाँ पे मोटा कद्दूकस करने वाला यूज कर रही हूँ। अगर आपको पतला, देखिए ऐसे आप कद्दूकस कर लीजिए। ये हमारा मूली कद्दूकस हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक मिलाएंगे और कुछ देर के लिए इसको हम ढक के छोड़ देंगे, जिससे कि इसमें नमक डाले इसलिए हम हैं पहले कि इसमें जितने भी पानी होंगे वो पानी छोड़ेगा। 10 से 15 मिनट के लिए आप हम इसको ढक के ऐसे ही रख दीजिए। जितने भी पानी होंगे इसके अंदर वो सारे पानी छोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे। मिला लीजिए आप अच्छे से नमक को और उसके बाद ढक के इसको रख दीजिए। देख सकते हैं आप इसमें कितना पानी, कितना जूस छोड़ है। अब इस जूस को हम अलग करने के लिए इसको हम या तो हाथ से निचोड़ेंगे या तो कपड़े से, लेकिन यहाँ पे हम हाथ से निचोड़ रहे हैं। हाथ से इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे जिससे सारा जूस बाहर निकल जाए। देख सकते हैं आप, अब ये मूली ड्राई हो चुका है। सारा जूस इसका अलग कर दिया गया है। अब ये ड्राई हो गया है। जूस को हम छान के एक बाउल में रख लेंगे और इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी जूस से हम आटा गूंदेंगे। जूस को हम छान ले रहे हैं। मूली में धनिया पत्ती थोड़ा सा, और थोड़ा अजवाइन मिलाएंगे। अजवाइन को थोड़ा हाथ से क्रश कर लेंगे जिससे कि अजवाइन का अच्छा खुशबू आए। और इसको हम मूली में मिला देंगे। नमक आपने पहले ही कद्दूकस करते टाइम मिलाया था, इसलिए हम नमक नहीं डालेंगे। देखिए, हमारा मिक्सर बनके तैयार है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रहे, आपको सिर्फ मूली में अजवाइन और धनिया पत्ते मिलाना है, और जब आप इसको कद्दूकस करेंगे उस टाइम आपको नमक डालना है जिससे इसका पानी अलग हो जाए। पराठा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 कप आटा लिया है, और जो मूली का जूस था इसी से आटा को हम गूंदेंगे। आटे में आपको कुछ नहीं मिलाना है, जैसे नॉर्मल पराठा आप बनाते हैं या रोटी बनाते हैं वैसे ही आटा को आपको गूंद लेना है। चलिए हम आटा गूंदते हैं। यहाँ पे आटे में नमक नहीं मिलाना है क्योंकि ये जो जूस है इसके अंदर पहले से ही नमक है, इसलिए आपको आटे में नमक नहीं मिलाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आटा का डो बन के तैयार है। अब हम इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे जिससे कि हमारा पराठा बहुत सॉफ्ट बने। 10 से 15 मिनट के लिए आप यहाँ पे इसको ढक दीजिए। बीस मिनट तक हमने आटे को छोड़ दिया था गूंद के। अब देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। पराठा बनाने के लिए अब हम 2 लोई लेंगे। जैसे हम पराठा या रोटी बनाते हैं वैसे ही हम इसको बेल लेंगे। रोटी जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हम
इसको बेलेंगे और एक प्लेट में करके इसको साइड कर लेंगे, साइड में रख देंगे। देखिए हमारा ये पराठा बनके तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में अलग करके रख लिए हैं, हमने लिया है। अब उसको भी वैसे ही रोटी की तरह हम बेल लेंगे। ये हमारा रोटी बेल के तैयार है। अब इसमें हम स्टफ डालेंगे मूली का। ऐसे पराठा बनाने से ये पराठा हमारा फटता भी नहीं है। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा जितना भी भर सकते हैं, स्टफिंग कर सकते हैं। इस तरह से बनाने में सॉफ्ट भी आपका पराठा ज्यादा होगा। अब दूसरा जो हमने बना के रखा था उसको इसके ऊपर से डाल देंगे और साइड से अच्छे से दबा देंगे और थोड़ा सा अच्छे से इसको पुश करेंगे हाथों से। फिर हल्का सा हम इसको सूखा आटा इस पे डालेंगे। दोनों साइड मैंने सूखा आटा इसमें डाल लिया है। अब इसको हल्का हल्का बेल लेंगे। क्योंकि पहले ही हमने रोटी बना लिया था इसलिए थोड़ा ही बेलेंगे, ज्यादा नहीं बेलना है हमको। ये अच्छे से बेल लिया हमने। तवा मेरा गरम हो चुका है। अब इस पे हम ये डालेंगे पराठा। देखिए जब तक ये सेक रहा है वैसे ही हम दूसरा लोई अब लेंगे। दूसरा लोई वैसे ही हम बेलेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए हल्का सिक गया है। फ्लेम को आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम और तेज करते रहिएगा जिससे ये ज्यादा चिपके ना, जले ना। वैसे आप लो फ्लेम पे ही बनाइएगा पराठा। अगर आपको लगता है ये कम सिक रहा है तो आप थोड़ा हाई कर लीजिए। दूसरा पराठा भी हमारा बेल गया है। अब हम इसमें ऊपर से घी डालेंगे। अब हम इसमें घी लगाएंगे। अब इसको हम पलट देंगे। दूसरे साइड भी हम घी लगाएंगे। ये भी हमारा रोटी पराठा बन गया है। इसमें स्टफिंग करेंगे। ये हमारा सिक गया है। हल्का ब्राउन होने तक आप इसको सेकेंगे। ये भी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको अच्छे से आप इसको थोड़ा थोड़ा पुश करेंगे और उसके बाद थोड़ा आटा लगाएंगे ऊपर से। फिर थोड़ा थोड़ा आप इसको बेल लेंगे। ये हमारा बनके तैयार हो गया है पराठा। ये हमारा पराठा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। हमने ये पराठा घी से बनाया है, चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने इसमें बटर डाल दिया पराठे पे। बटर के साथ ये पराठा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप चाहे तो दही और आम के खट्टे मीठे अचार के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये डिश पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका ये डिश कैसा बना है। थैंक यू।